Jose. रिलीज हो गई है दिवाली के साथ किंग खान शाहरुख की सबसे बड़ी फिल्म रावण, जिस पर शाहरुख ने लगा दी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी। रावण को शाहरुख ने जी जान लगाकर प्रमोट किया है, कहां कहां नहीं गए शाहरुख खान। रावण के लिए प्रमोशन का इमोशनल अत्याचार कर डाला शाहरुख ने, टीवी पर पहली बार ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च किया, कहीं मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील बेचा, कहीं डियोडोरेंट, अपने दुश्मनों से भी पैचअप कर लिया और लॉन्च किया गेम भी। यानी शाहरुख ने इस बार प्रमोशंस के मामले में मार्केटिंग गुरु आमिर खान को कहीं पीछे छोड़ दिया। बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर शाहरुख ने ओम शांति ओम से प्रमोशंस का जो ट्रेंड शुरू किया था, रावण के प्रमोशंस के दौरान उसका ओवरडोज देखने को मिला। शाहरुख अपनी फिल्म को प्रमोट करने देश के कोने कोने में पहुंचे। स्टार्टिंग में शाहरुख ने टाई अप किया मैकडॉनल्ड्स के साथ फॉर अ स्पेशल रावण किडी हैप्पी मील, जहां शाहरुख दिखाई दिए क्लाउनिंग अराउंड। तो एक तमन्ना थी कि ऐसी कोई फिल्म बने और मैकडॉनल्ड्स की मैनेजमेंट हैज बीन काइंड इनफ, उनकी जो पूरी टीम है कि दे काइंड ऑफ थॉट अ फिल्म इज गुड इनफ एंड इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म जो शायद बच्चों को ही पसंद आए जो यहां की ऑडियंस है। इतना ही नहीं, शाहरुख ने अपनी फिल्म के फाइनेंसिस को खुश करने के लिए अनाउंस किए कई सारे टाई अप्स और स्पेशल रावण मर्चेंडाइजिंग भी। पीपल कीप टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग मार्केटिंग बाय जस्ट पुटिंग अप पोस्टर्स, यू नो, जस्ट लेटिंग एवरीवन अवेयर बाय इंटरव्यूज। आई थिंक द टाइम हैज कम, if a movie lends itself, we have so many different areas of interest that we can even make the marketing very entertaining. From a money transfer organization to a popular jewelry brand to YouTube for exclusive promo rights, Shahrukh has done it all. Yahan tak ki Shahrukh Ravan special game bhi lekar aa gaye. Shahrukh ne launch ki ek Ravan gaming series for mobiles and a special Ravan PlayStation version 2. वेल, रावण की स्टोरी लाइन बेस्ड है डिजिटल गेमिंग पर, तो रावण गेम सीरीज लॉन्च करना कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस फिल्म के लिए शाहरुख ने टाई अप किया एक डिओड्रेंट ब्रांड के साथ भी। क्यों, ये खुद उन्हीं से सुनिए। अगर मैं किसी को बचाने के लिए जाऊं वो लड़की सब बचाने से पहले यू शाहरुख ऑल्सो मैनेज टू मेक एन अपियरेंस ऑन अ होल बंच ऑफ टेलीविजन शोज। एक दिन में शाहरुख पहुंचे तीन अलग अलग शोज के ग्रैंड फिनाले पर, सारे गामा लिटिल चैंप्स के ग्रैंड फिनाले पर, ऋतिक रोशन के शो जस्ट डांस पर और इंडियाज गॉट टैलेंट पर भी। मुझे मालूम नहीं था मैं किस शो पे आ रहा हूँ, किस शो से जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किस पे नाचना है, किस पे गाना है। When I asked my household and everyone, मैं ठीक ठाक क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, तुमने काफी अपने आप को बुद्धू बनाया उन शोज के ऊपर। शाहरुख नॉन स्टॉप प्रमोशंस के लिए गए चेन्नई भी, जहाँ उन्होंने रावण का तमिल वर्जन भी लॉन्च किया और रिवील किया असली रावण अर्जुन रामपाल का लुक भी। प्रमोशंस के दौरान शाहरुख को मिली फ्री में एक गाड़ी भी। वेल, शाहरुख को नहीं बल्कि उनकी वाइफ गौरी को मिली ये फोक्सवैगन गाड़ी। फोक्सवैगन मोटर्स ने टाई अप किया रावण के साथ और शाहरुख की अपनी खुशी एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ यूं रहा। जी हाँ, रावण के प्रमोशंस में शाहरुख को इतना नाचना पड़ा कि वो अब ये कहने लगे, I've lost a couple of inches working on this film, so don't get scandalized if my pants fall off. Don't get scandalized if my pants fall off. रावण के नॉनस्टॉप प्रमोशंस के बाद शाहरुख के स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ गए कि उनका वजन कम हो गया। No need to hit the gym for शाहरुख, just get stressed. ये है शाहरुख का लेटेस्ट फिटनेस मोटो। I've lost a couple of inches working on this film, so don't get scandalized if my pants fall off.